नमस्कार, इनको निचवा दोस्तों। आज हमें पार्क में और यहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूँ टॉपिक अर्थक्वेक का, जो अभी आया था मैसिव और बहुत ही मैसिव यार। मैंने तो मतलब एक्सपीरियंस ये थर्ड टाइम किया है जापान में आके। और मैं कहाँ था, क्या कर रहा था और क्या एक्सपीरियंस होता है जापानीज वर्सेस इंडियन भारतीय लोगों का, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार इनको निचवा दोस्तों, मेरा नाम है विनय, आप देख रहे हैं विनय व्लॉग्स। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। तो जी हाँ, जब जापान में जब ये सबसे मतलब भयानक, मेरे हिसाब से सबसे भयानक जब भूकंप आया था, मैंने जो एक्सपीरियंस किया तब मैं था ट्रेन स्टेशन में, क्योटो स्टेशन में, जो है जापान की सेकेंड बिगेस्ट स्टेशन। और अभी जा रहा है ट्रेन यहाँ से, जो ट्रेन आई है क्योटो स्टेशन से, और क्योटो स्टेशन है जापान की मतलब सेकेंड बिगेस्ट आफ्टर आई थिंक टोक्यो स्टेशन। और वहाँ पे बहुत सारी ट्रेन होती है दोस्तों, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी स्टेशन मतलब ट्रेन होती है और प्लेटफॉर्म होती है, और ट्रेन की टाइप्स होती है, जैसे कि शिनकानसेन हो गया, शिनकानसेन मतलब सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन हो गई, और लोकल ट्रेन होती है जिसकी नाम होती है अलग अलग। मैं जा रहा था केहान लाइन में, जहाँ पर मेरे को जाना था मामा के यहाँ, जहाँ पे मेरे को उनसे मिलने जाना था। और मैं अभी काम से लौट रहा था वहाँ से, मैं सोच रहा था कि आज एक तारीख है तो मामा के यहाँ जाते हैं। वहाँ पे देखा तुम्हें चिड़िया का घोंसला है मैंने फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे आके, क्योंकि ये नंगा हो गया है ना ये पेड़ उसके बाद ही दिखाई दिया। तो हाँ, मैं मामा के यहाँ जा रहा था काम ख़त्म करने के बाद, और सडनली प्लेटफॉर्म शेक करने लगा, जो कॉमन एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब भी बुलेट ट्रेन आती है तो वो एकदम ही फास्ट स्पीड में आती है और प्लेटफॉर्म शेक करती करती है, एकदम बहुत ज़ोर से करती है। और शिनकानसेन ना होकर कुछ भी अगर लोकल ट्रेन होगा तो शिनकानसेन की जैसे ही स्टेशन पूरा शेक करती है वैसे ही शेक करने लगी। मेरे को लगा कि शायद कुछ नॉर्मल चीज़ होगा, क्योंकि ट्रेन एक साथ, दोनों ट्रेन लोकल ट्रेन और शिनकानसेन साथ में आ गए होंगे इसलिए ज़्यादा कर रहा है। लेकिन मैंने आसपास देखा तो ट्रेन जो रुकी हुई है, जो वहीं पे है, वो नागिन डांस कर रही है, पूरा बल खा के ऐसे ऐसे कर रही थी। मेरे को तो भाई साहब, ये तो भूकंप जा रहा है यार यहाँ पे, तो मतलब भूकंप आ रहा है बोलो या जा रहा है बोलो, मेरे को पता नहीं। बहुत मतलब जो लास्ट किया ना, वह मेरे को फील हुआ, 5 मिनट तक फील हुआ, 5 मिनट तक गया नहीं, भूकंप इतना आएगा तो दोस्त हो जाएगा, लेकिन मेरे को फील 5 मिनट तक हुआ वो प्लेटफॉर्म में होने की वजह से, ट्रेन की मतलब मोशन की वजह से। आया था शायद आई थिंक 10 सेकेंड 15 सेकेंड शायद, बहुत ही मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग था। और मैं बिल्डिंग देख रहा था, बिल्डिंग भी एकदम वो फिल्टर लगाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, वैसा ही हो रहा था पूरा। और ये मेरा दूसरा सबसे बिगेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये इससे पहले जब मैं क्योटो में था, मैंने आपको बताया कि क्योटो में जब मैं आया था, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि क्वारंटीन में बैठा था 3 दिन, तब भी आया था, तब मैं 13वीं माले में था, और नीचे देखकर जब भूकंप वो बिल्डिंग को हिला रहा था ना, अरे बिल्डिंग हिल रहा था ना, दूसरे बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग थे वहाँ पे, वैसे एक बिल्डिंग, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा बिल्डिंग, मैं जिस होटल में था वहाँ से सारा बिल्डिंग दिखाई दे रहा था, और इतना शेक किया ना भाई साहब। और वैसा ही हुआ आज ट्रेनों के साथ। और मैं अपनी एरिया की बात करता हूँ, मैं क्योटो में रहता हूँ, और क्योटो एक वैली है जो कि माउंटेन से कवर्ड है, और ओशन बहुत ही दूर है, इसकी वजह से सुनामी का खतरा नहीं है। और एपिसेंटर जो था, एपिसेंटर इशिगावा था, और वहाँ से बहुत दूर होने की वजह से सेफ ही हूँ मैं, और एरिया भी बहुत सेफ है, लोग भी बहुत खुश है, अभी खेल रहे हैं यहाँ पे बच्चे लोग। तो जी हाँ, मेरे एरिया में तो कुछ भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं गली एकदम ठीक है, और इधर बाहर में भी कुछ भी चीज़ तोड़ फोड़ नहीं हुई है। और क्योटो के बारे में थोड़ा सा डिटेल है जो मैं आपको हाईवे में जाके बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योटो एक वैली है, और इसमें ऐसा तोड़ फोड़ नहीं होता है,
लेकिन जो भी हो, आपको यहाँ पे पार्क दिखा देता हूँ। जो भी हो, तोड़फोड़ ना हो फिर भी थोड़ा सा खतरा तो होता है, मैं इधर में नहीं जाऊँगा क्योंकि घर वगैरह है वहाँ पे। तोड़फोड़ ना हो फिर भी कुछ डर तो होती है, लेकिन मेरे मेरा जो एरिया है वो जो ईपी सेंटर था उससे थोड़ा सा दूर था, इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था और प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देख सकते हैं मैं जहाँ पे हूँ वो आप बोल सकते हैं कि इंडिया के करीब वाला पार्ट है, जो इंडिया से क्लोजेस्ट पार्ट है। इसका मतलब हुआ कि वेस्ट क्योटो में मैं हूँ और ईस्ट क्योटो जो है वो बहुत ही नज़दीक है, जहाँ पे भूकंप आया था उससे बहुत ही नज़दीक है ईस्ट क्योटो, लेकिन वेस्ट क्योटो थोड़ा सा दूर है। बहुत भयंकर एक बहुत ही बड़ा है क्योटो, इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा दूर था। फिर भी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं स्टेशन में था और मेरा रिएक्शन वही था, और जो कि ट्रेन थी वो एकदम स्क्रैट थोड़ा सा, मतलब मेरे को लगा कि कुछ ज़्यादा ही सेक कर रहा था, लेकिन शायद उसका मतलब वो ज़्यादा नहीं हुआ होगा। अब इन लोगों को बताएं ना, मेरे तो ये सेकेंड टाइम है, बड़ा वाला जो भूकंप आया वो मेरा सेकेंड टाइम था और ये पहला टाइम है जिसमें मैं बाहर था। मतलब मैं पहली बार इस भूकंप में जापान में आने के बाद पहली बार बाहर जब था तब भूकंप आया। एक बार जब सबसे पहले आया था तब मैं टोक्यो के होटल में था क्वारंटीन में, उन लोगों ने क्वारंटीन में रख दिया था 3 दिन के लिए होटल में। और उसके बाद जब आया था छोटे मोटे जो आए वो उस टाइम में मैं काम होता था ऑब्वियसली, और कभी कभी तो सो रहा होता था रात को। लेकिन आज पहली बार मैंने एकदम अच्छे से बाहर में स्टेशन में एक्सपीरियंस किया, और मैं एकदम अनलकी हूँ या फिर मैं यहाँ पे बहुत फूल बहुत अच्छे हो गए, और मैं अनलकी हूँ या फिर क्या बोलूँ, मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं जो कैमरा लेके नहीं गया था साथ में या फिर मोबाइल में मेरे कोई ख्याल नहीं आया कि अरे यार वीडियो कर लेता हूँ, नहीं तो ट्रेन का हालत बहुत ही बुरा था यार वहाँ पे स्टेशन में। काम ख़त्म करके निकल रहा था, यहाँ पे सेंटा को लटकाने का तरीका थोड़ा कैजुअल लगा मेरे को, बाकी तो सब ठीक है। और बात कर रहे थे हम तो, सॉरी मैं थोड़ा सा छोटा काम था इसलिए मैं साइकिल में चला गया था और अभी लौट रहा हूँ। तो हाँ, भूकंप की मतलब इतनी वो क्रेज़ हो गई थी ना, मतलब हमारे यहाँ नहीं न्यूज़ में, यहाँ पे जापनीज लोग तो कुछ रिएक्ट नहीं करते भूकंप में। जैसे कि मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था, कॉमेडी करने की कोशिश की थी, हुआ नहीं, फिर भी बेइज्जती अलग से हो गई। और हाँ, तो मेरी बात क्या है कि जापनीज लोग क्या है कि रिएक्ट नहीं करते, वो लोगों को मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है कि 7 रिक्टर का आया है या 8 रिक्टर का आया है, वो लोग ट्रेन में है तो ट्रेन में ही बैठेंगे और अगर वो घर पे हैं तो घर पे ही बैठेंगे। उनकी मतलब मोबाइल में एक अलार्म आ जाती है, उनकी नहीं सिर्फ मेरे भी मोबाइल में अलार्म आ जाती है, जो भी जापान में होते हैं या फिर जापान की मोबाइल होती है उन जिसके पास, उसमें अलार्म बज जाती है। और अगर वो अलार्म बज जाए तो लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ अगर होता ऐसा तो भाग जाते कोई बाहर पहले ही,
आई थिंक 28 सेकेंड पहले पता चलती है, 18 या फिर 28 सेकेंड पहले पता चलती है कि भूकंप आने वाला है मोबाइल में, ठीक है। और वो अलार्म बज गया था, कोई वहाँ से नहीं हिला, इसलिए मैं ट्रेन स्टेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया था कि अरे आया है क्या, शायद नहीं होगा जैसा भी लगा, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं कर रहा है कोई। रास्ता कट लेते हैं, रास्ता कटते वक्त नो बात बच्चों, ये बात याद रख लेना। तो हाँ, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, तो ऐसा ही हो गया। और घर पे आके मैंने मतलब सबसे बात भी की, कॉल आए और भाई लोगों ने मैसेज भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगा कि ख़त्म हो गया साल, इतना मतलब पूरा सेकी सेकी शुरू हुआ है। तो दूसरे दिन क्या होता है कि प्लेन क्रैश हो गया ही, टोक्यो के हानिरा एयरपोर्ट में प्लेन क्रैश हो गई, मतलब जापान में ही। और मैंने एक बात पढ़ी थी कि भविष्य मालिका, आपको अगर आपने सुना होगा, मैं रास्ता कट लेता हूँ, अगर आपने भविष्य मालिका के बारे में सुना होगा तो मैंने 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 ज़्यादा गौर से पढ़ा नहीं है, अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तबाही शुरू होगी वो यहीं से होगी शुरू, अगर कुछ मतलब है ना अंत होना, ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है, तो अंत अगर शुरू होना है तो वो शुरू होगा सिर्फ और सिर्फ जापान से, ऐसा मैंने सुना था। मैंने वो बुक मेरे को मिली नहीं है, अगर मिलती तो मैं पूरा पढ़ लेता। और लोग बहुत बात कर रहे थे ये यही टॉपिक के बारे में, मैंने ये पहले ही सुन लिया था एक बार बचपन में, लेकिन तो एक मेरे चिचा बोल रहे थे, जो गांव के होते हैं ना चिचा, ऐसा ही बोल रहे थे। तो लेकिन उस वक्त मेरे को लगा कि कुछ इतना सीरियस मैटर नहीं है, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मेरे को जापान का क्या। लेकिन कुछ ना कुछ करके मैं यहाँ पे आ ही गया। लेकिन सीरियस बात यह है कि अगर वो सच निकली तो अंत नज़दीक है बोलते हैं ज़्यादातर लोग। और बात करते हैं टोक्यो हानिडा एयरपोर्ट की, प्लेन के क्रैश की, तो आई थिंक 380 करीबन लोग थे स्टाफ को जोड़कर, 79 थे शायद, 379 लोग थे, और उनमें से मतलब 5 जन मारे गए हैं। जो 5 जन क्रू मेंबर थे सबको बाहर निकालते निकालते शायद 5 लोगों की जान गई है, उन लोगों की आत्मा को शांति मिले, ओम शांति बोलता हूँ मैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये लोग मतलब लोगों को निकालने के चक्कर में खुद की जान चली गई, फिर भी वो निकाल रहे थे और उन्होंने पूरा भी किया, सब लोगों को निकाल दिए, कैप्टन भी मतलब पायलट भी सेफ है, सिर्फ 5 लोगों की जान गई, जो बहुत ही साइकिल यहाँ पे डिजाइन बनाई है, जो बहुत ही दर्दनाक किस्सा है शुरू करने के लिए साल को। मैं तो पहले बिलीव भी नहीं किया कि वो आग लगी है, लेकिन बाद में तो मेरे को लगा कि ओल्ड न्यूज़ फिर से कोई निकाल रहा है, लेकिन नहीं, हानिडा एयरपोर्ट ही था वो। और उसी एयरपोर्ट में जब मैं सबसे पहले आया था ना जापान, तो उसी एयरपोर्ट में लैंड किया था, क्योंकि तब कोविड था, कोविड होने की वजह से ओसाका की एयरपोर्ट बंद थी, फुकुओका की बंद थी, इसलिए मैं टोक्यो में आया था। मैंने जब सोचा तो मेरे को लगा कि अरे भाई साहब, लेकिन वो जो प्लेन क्रैश हुई वो थी लोकल एयरलाइन, और मैंने जो सुना है रिपोर्ट के अनुसार कि वो साइड की जो प्लेन होती है ना, क्रू प्लेन, जो प्लेन मतलब क्या कहते हैं उसको, साइड में रखते हैं लोग फलाना ढिंकाना काम के लिए, तो रोड क्रॉस कर लेते हैं, तो फलाना ढिंकाना काम के लिए ये लोग जो साइड में रखते हैं उससे थोड़ा सा टच हो गई थी, उसकी वजह से आग जली है, ऐसी बात मेरे को सुनाई में आ रही है, लेकिन पता नहीं है मेरे को अभी इतना क्लियरली, मेरे को ये न्यूज़ के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि तब जब मैंने न्यूज़ सुना था सबसे पहले तो वो एक फैमिली मार्ट में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे एक कस्टमर ने कहा था, देख यहाँ पे अखबार देख,
ऐसा ऐसा हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए नोबिता वाला भाई आता है यहाँ पे, क्योंकि स्कूल ऐसा ही है और घर भी यहाँ पे वैसे ही है। तो जी हाँ, मेरे को तो मतलब शॉकिंग सा लगा, आज 3 तारीख है दोस्तों, मेरी फटी पड़ी है यहाँ पे। आज क्या होने वाला है? 1 में भूकंप, 7.6 रेक्टर का पहले, और शाम को 7 रेक्टर का। पहले रास्ता नाप लेता हूँ। तो जी हाँ, 2 भूकंप आ गए 1 तारीख को, 7 रेक्टर का 11 o'clock को, और सुबह को 7.6 या फिर 5 रेक्टर का। और दूसरे दिन होता है कि प्लेन क्रैश, मतलब टोक्यो में प्लेन क्रैश होना मतलब बहुत ही रेयर मोमेंट है भाई, रेयर मोमेंट है। मतलब मेरे को तो 3 अब तीसरा दिन आज, होप कुछ भी ना हो, होप सब लोग सेफ रहें, और आप लोगों को भी मैं सेफ रहना रहने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि कोविड का केरला में कुछ केसेस आए हैं, 300 के करीबन केसेस आए हैं मैंने सुना था। तो मेरे को लगता है कि आप लोग को भी मतलब घर से निकलते वक्त प्रिकॉशन लेकर निकलना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा, और देखते रहिएगा और भी वीडियो। मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और ट्रैवलिंग ब्लॉग लेके आता रहता हूँ, और प्यार के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।